सब स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज हमारा जो टॉपिक है उर्दू का वो है मिर्ज़ा मोहम्मद सही। और ये लिखा किसने है? ये हमारे शाहिद अहमद दिलवी ने लिखा है इसे। और इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम इसके कुछ तस्वीरी सी मकासद पढ़ लेते हैं। वो है नंबर वन में कि दिल्ली की तहज़ीब खसूस मुतवल तबके की मुआशरत से भी तारुफ हासिल कर सकते हैं। नंबर दो में शाहिद अहमद दिलवी की शिशता और बामहावरा ज़बान की खूबियों से तलबा को रोशनास करा सकते हैं। खाक निकारी के इस नमूने के ज़रिए से तलबा को तहरीक देना कि मज़ीद खाकों का भी मुताला करें वो बयान कर सकते हैं। तलबा पर यह वाजा करना कि अहले इल्म हलीम तबा वज़ादार हैं। तलबा को इल्मी मजालस और अहले दानिश के तौर तरीक़ों से भी उसकी पहचान कराई जा सकती है। और इससे चैप्टर से हम लोग नए अल्फाज और तरकीब भी बना सकते हैं, उनसे वाकफियत हासिल कर सकते हैं। और ग्रामर का पोर्शन में हम जुमला इस्मिया और जुमला फेलिया का भी तारफ करा सकते हैं। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास इसके कुछ आ जाते हैं मुख्तसर सवालात। मुख्तसर सवालात के बाद आपने सबक के मुश्किल अल्फाज के मायने लिखने होंगे और उसके बाद इनके कुछ पैराग्राफ की इक्तबास की तशरीह करनी होगी। और इसके बाद अब आ जाते हैं सवाल नंबर एक मश्क में मुख्तसर सवालात। मुख्तसर सवालात में हम मिर्ज़ा मोहम्मद सईद के वो क्या लिखते थे, किस तरह लिखते थे वो बयान करेंगे। और फिर वो लाहौर के पब्लिशरों के साथ के मिर्ज़ा साहब का कैसा रवैया था वो बयान करेंगे। और मिर्ज़ा साहब की मार्का आराल किताब का नाम जो मुरतब किया गया है उसे भी बयान करना है। और वो दो शख्सियात जो बहुत ज़्यादा अजीज़ थे हमारे मिर्ज़ा साहब को वो बयान कर सकते हैं। और मिर्ज़ा साहब का सबसे बड़ा मशगला क्या था वो बयान करना नोगा में। और इसके बाद आता है कि उनका हुलिया कैसा था, कि वो अपने आप को कैसे रखते थे वो बयान करेंगे। और फिर मिर्ज़ा गालिब के दोनों नावलों के नाम भी तहरीर करेंगे। इसके बाद हमारे पास ये चूज़ द बेस्ट आंसर का क्वेश्चन आ जाता है कि इसमें मुख्तलिफ ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपने जो सही होगा वो चूज़ करना होगा। इसके बाद अगला सवाल हमारे पास जुमलों का आ जाता है कि आपने इन अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करना है, फिर आगे पैराग्राफ लगाने हैं। मुख्तलिफ अल्फाज हैं, इनको आपने एराब लगा के बयान करना है। फिर हमारे पास ये टिकन क्रॉस आ जाती है, या आपने टिकन क्रॉस इन पर लगाना है। और फिर आगे हम जुमला फेलिया और इस्मिया आ जाते हैं, इनको आपने तफसील के साथ।